जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के ऊपर। री एग्जाम का जो लेवल रहने वाला है वो सिंपल रहने वाला है, मॉडरेट रहने वाला है या हार्ड रहने वाला है। ठीक है, आपका जो री एग्जाम होने वाला है उससे पहले जब मेरा री एग्जाम हुआ था मैं उसकी बात कर लेती हूँ, क्योंकि उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ पेपर का लेवल कहाँ तक चेंज हो सकता है और कहाँ तक चेंज नहीं हो सकता। देखो, जब भी कोई भी एग्जाम होता है, मैं री एग्जाम की बात नहीं कर रही, मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो ना। जो आपका एग्जाम फरवरी में हुआ था ना, वैसा ही मेरा एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का। तो देखो, जब भी कोई एग्जाम होता है उसमें जब सारे बच्चे बैठते हैं, है ना, फ्रेशर भी होते हैं, कुछ को एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि दो दो तीन तीन बार एग्जाम दे लेते हैं, किसी कारणवश वो रह जाते हैं। ठीक है, एग्जाम दे लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, किसी कारणवश वो रह जाते हैं। तो बात कर रही थी मैं, जब भी एग्जाम देते हैं हम सभी, तो जो पेपर होता है वो सभी के लिए नया ही होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, पेपर का लेवल सबके लिए नया था, लेकिन कुछ कारणवश हमारा पेपर भी रद्द हो गया, है ना। फिर उसका री एग्जाम हुआ 2 से 3 महीने बाद। अब बात करेंगे कि जो पेपर पहले हुआ था और री एग्जाम हुआ था उसमें क्या चेंजेस आए थे। चेंजेस के ऊपर बात करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो देखो, चारों सब्जेक्ट में लिखूंगी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, यूपी जीके भी आती है इसमें, ठीक है, जीएस जीके, ये 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। एग्जाम जो आपका पहले हुआ था, पहले वाला जो मेरा हुआ था, और फिर बाद में जो आपका एग्जाम हुआ था, बाद में जो री एग्जाम हुआ था, क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। देखो, जब भी पेपर होता है तो वो इतना सिंपल तो नहीं होता, क्योंकि सिंपल होगा तो बच्चे 300 में से 280 290 लेके आएंगे ना। तो पेपर का जो लेवल रखते हैं वो मॉडरेट रखते हैं। हाँ, आपका भी पेपर मैंने देखा था, मॉडरेट ही था, है ना। जीएस बहुत सिंपल थी, जो पढ़ाया वही फंसा। हिंदी, मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको यदि कोई पूरा अच्छे तरीके से पढ़ ले तो पूरे में से पूरे नंबर ले आता है ना, समझ गए। देखो, हिंदी, हिंदी पहले भी आपकी सही आई थी और हिंदी बाद में भी सही आई थी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। हिंदी पहले भी आपकी सही आई थी और हिंदी बाद में भी सही आई थी, मॉडरेट आई थी। ठीक, हार्ड नहीं बोल सकते कि पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा हार्ड हो गया, नहीं, हिंदी पहले भी आपकी सही थी, मॉडरेट थी और बाद में भी मॉडरेट ही थी। जैसे जैसे आपने हिंदी पढ़ी है उसी को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कुछ भी नया ऐड मत करना हिंदी में, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, शॉर्टकट में लिखा है ना, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, फिर वहां जो गलती होती है उस गलती पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि साहित्य जो आपने पढ़ा है 2-3 पेज का, अब आपने 10-12 पेज लिख दिए, ऐसा नहीं करना। जो पुराना है हिंदी में उसे ही लेके चलो, उसमें से ही फंसेगा, ठीक, लेकिन पूरी हिंदी आपको आनी चाहिए। बात करें मैथ की, मैथ का जो लेवल था पहले भी मॉडरेट था और बाद में भी मॉडरेट ही था, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपकी मॉडरेट थी वो मैंने आपको बता दी है। रीजनिंग का, रीजनिंग का पहले मॉडरेट था, बाद में थोड़ा सा लेवल अप हुआ, है ना, थोड़े से जो क्वेश्चन थे ना रीजनिंग के वो थोड़े से घुमा के डाले गए, मतलब यहां बोल सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 10 से 20%, है ना। तो रीजनिंग पे आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां क्वेश्चनों को घुमा के ही आपको दिया जाता है। अब बात करें जीके जीएस की, तो देखो यूपी जीके जो आपने जितनी भी पढ़ रखी है ना वो इनफ है, और बात करें जीएस की, जीएस तो रामबाण है, आपको पता है ना, जीएस रामबाण है, कहीं से कैसे भी पूछ सकता है। अब मैं बात करूं, जैसे जीएस में इतिहास का टॉपिक है,
इतिहास का टॉपिक, उसमें मुगल काल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब वो अकबर के बारे में थोड़ा बहुत पूछ ले, है ना। अगर वो थोड़ा डीपली जाएगा तो अकबर के बारे में डीपली चीजों को पूछ लेगा, तो वो चीजें आपकी हार्ड में चली जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जीएस का जो थोड़ा लेवल है वो हार्ड हो जाएगा। ये मैंने अपने पेपर का लेवल बताया है, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था, थोड़ा सा हार्ड हो गया था ये। और ये जो जीएस थी पहले सिंपल थी, फिर बाद में ये थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। ऐसे ही आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आपको जो मेहनत करनी है वो रीजनिंग पे करनी है। ये जैसे आपके चलते आ रहे हैं इनको वैसे चलने दो, रिवीजन करो प्रॉपर। समझ रहे हो मेरी बात को? यूपीजी के जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलने दो। जीएस जैसे आपके नोट्स बने हैं वैसे ही बने रहने दो, ठीक है। कुछ भी अब आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं बचा है, ठीक। मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जहां भी गलती दिखे उस गलती पर काम कीजिए। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हाँ पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके से अप होता है, किस तरीके से डाउन होता है। तो मुझे आपको इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।